पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्धनों को चूसने वाली और धनवानों की प्रियतम सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों को लूट कर खुलकर पूंजीपतियों के लिए बैटिंग कर रही है। इसलिए हम सब लोग जो है महंगाई आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पर हमने पहले ही कहा कि पेट्रोल डीजल की था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है। और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने पहले भी कहा था भाजपा के लोग जो है उस चुनाव आता है तो प्रचार करते हैं, महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करें, बैठे रहिए कम करने के बजाय जो है लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है। और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो जिस हिसाब से बिहार सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ के भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं रहता है, इस पे जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। तो इस हिसाब से जो आम जनता की जो तकलीफें हैं उसको लेकर के पॉलिटिकल रूप से जो है आज हम लोग जो है ये सेंचुरी लगता लगेगा क्या, सेंचुरी लग जाएगा क्या तेल के दाम का? नहीं नहीं, लगभग तो कई जगह हो गया। चलिए चलिए चलिए, बिहार में कई जगह देखेगा कई जगहों में सेंचुरी लग गया। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव सोमवार को किसानों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे। वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अपने आवास से ट्रैक्टर से निकले थे और विधानसभा आए थे। हालांकि गेट पर ही सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को रोक दिया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को लेकर लगातार हमलावर हैं। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था। आज उन्होंने साइकिल से विधानसभा मार्च कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। मोटरसाइकिल आई थी, एक मिनट बस।